जय हिंद, मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। कहा गया है जल ही जीवन है, लेकिन मुंबई जैसे माया नगरी में जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, हम आए हुए हैं बीएमसी वार्ड क्रमांक 171 में, जहां की नगर सेविका है सानवी तांडेल जी। लेकिन यहां पर देखिए इतनी भीड़ आपके सामने खड़ी हुई है, खासकर महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं ही घर का काम करती है। महिलाओं को पता है कि घर में कितने लोगों के पानी की जो आवश्यकता होती है, कितनी जरूरत और कितनी आवश्यक होती है। इसलिए आज यहां पर ये जो महिलाएं हैं मजबूर हैं कैमरे के सामने आने पर, सारी समस्याओं पर चर्चा करूंगा। लेकिन आपको बताते चलूंगा कि यहां की जो समस्या मूलभूत से है, हिललॉक यहां पे सोसाइटी है जो कि 1972 बहुत पहले से है, और आज जो ये आप देख रहे हैं यहां पर महिलाएं आए हुए हैं और यहां के कुछ समाज सेवक हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम जफर अहमद सिद्दीकी है। जफर भाई, ये जो आज पानी की समस्या को लेकर के हम यहां पर आए हुए हैं और खासकर हमारी माता बहनें यहां पर आई हुई हैं, तो आप मुझे जरा बताइए संक्षेप में कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, इसकी शुरुआत तो ऐसे हुई कि ये 1972 की जो कमेटी है हमारी हिललॉक वेलफेयर रेसिडेंट सोसाइटी, इसको चलाने के अंदर ये लोग जो लोग चला रहे हैं इसको, ये मतलब ये अपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के चला रहे हैं, और उनके चलाने के साथ साथ ये दूसरे लोग उसके अंदर बीच में अमल दखल करके इन्होंने पानी बंद कर दिया लोगों का। 16 साल से एक आदमी अकेला ही पानी को चला रहा था, उसका पानी बंद करके लोगों को आज ये आपसी लड़ाई के अंदर ये लोगों को पीसना चाह रहे हैं। सही है, ये लोगों को आवाम को पीस रहे हैं। अब इनकी आपसी लड़ाई के अंदर ये पानी ने, इनका पहले कहना था, ये हसीना शेख करके एक औरत है यहाँ पे, उसने पानी बंद करा दिया, और उसका कहना ये है कि मैं राजा को चलाने दूंगी नहीं, ये उसके अल्फाज थे। और जब राजा को हटा के हमारे नगर सेवक जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 4-5 लोगों को खड़ा करके हम लोग एक गठन करते हैं कमेटी का छोटी सी, और एटलीस्ट मतलब ऐसे टाइम के ऊपर पानी आ जावे ऐसा कोई इंतजाम करते हैं। तो उसमें 4-5 लोगों को पब्लिक ने सिलेक्शन करके जिनको खड़ा किया गया, उनको भी आज माफिया बोला जा रहा है, जबकि ना उनके हाथ में कमेटी आई है ना पानी का कोई डिसीजन आया है, उनको भी माफिया बोला जा रहा है। अब वो लोग खड़े होकर काम करना चाह रहे हैं, तो वो हसीना शेख का आप कहना ये है कि मैं किसी दूसरे को खाने नहीं दूंगी, मतलब ये मेरे रिश्तेदार की चीज है। और भाई ये जो चीज है ये कोई खाने की चीज तो है नहीं, ये तो जनता के लिए है। और ये कि कहीं नहीं लिखा गया है कि एक ही परिवार जो है भ्रष्टाचार करते रहे, और हमें जहां तक पता चला है कि यहां पर एक परिवार सदियों से, आप बता रहे हैं हसीना जी के पति थे, हसीना जी के पति के बाद में उनके जो बहनोई के बाद में आप देख रहे हैं कि उनकी लड़कियां, ये माजरा क्या है जो कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से हिललॉक के जनता के लिए, क्या एक परिवार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है? सर जी, उसके अंदर ऐसा है कि थोड़ा सा ये लोग को ना पैसे का, उसके अंदर जो पैसे का जो वो है ना इनकमिंग जो है पैसे की कमेटी के अंदर, उसको लेके ना काफी मतलब ये लोगों के अंदर मतलब ऐसा है कि ये चीज हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये बात इनके दिमाग में एकदम गढ़ी हुई है। और ये लोग ना अपने उसी बात के ऊपर अटल रहते हैं कि मतलब अगर वो चलाए तो ठीक है, या तो मैं चलाऊं तो ठीक है, मतलब कोई तीसरा बंदा चलाए नहीं। अगर सही आदमी को इसको चलाने आता है ना, तो उसको ना ये माफिया टाइप के लोग जो है ना चलाने की बात नहीं हो रही है, मैं आपको रोकूंगा, यहाँ चलाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अगर इन्होंने ठीक से चलाया होता तो बीएमसी ने इसको काटा नहीं होता। यहाँ पर मुद्दा है कि इन्होंने ठीक ढंग से, यानी कि इनके वालिद ने और उनके बाद में उनके बहनोई ने इसको ठीक ढंग से चलाया नहीं, भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण बीएमसी ने इसको काटा। तो सवाल यह होता है कि अगर ये ठीक ढंग से चलाते तो लोगों का समर्थन होता, इन्होंने ठीक ढंग से नहीं चलाया, भ्रष्टाचार किया, बीएमसी का पैसा नहीं भरा, जो कि लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से आज तकलीफ हुई है। तो मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर जो ये जनता है उनके लिए आप जैसे समाज सेवक क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम लोगों ने क्या है, नगर सेवक से बात करके हम लोगों ने आवाम को साथ में लेके जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो नगर सेवक का हमारे को ये समर्थन आया कि उसने हम लोग को पानी का एक कनेक्शन पास करके दिया है, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से उसने हमारे को एक लाइट का कनेक्शन पास करके दिया है। ये दो चीज नगर सेवक ने हमारे को तत्काल में इमरजेंसी में उसने सहूलत करके दी है। अब उस चीज को हम लोग लेकर जो पुराना करप्शन का, जिसको कहा गया कि भाई ये करप्शन था, ये बीएमसी का पैसा नहीं भरा गया, इलेक्ट्रिक का पैसा नहीं भरा गया, तो विजिलेंस की रेट हो गई, तो उसको बाजू में रख के नगर सेवक ने एक हमारे को सेपरेट लाइन दी, सेपरेट कनेक्शन दिया। उसको हम लोग अगर कनेक्शन करने जा रहे हैं तो हम लोग को कनेक्शन करने दिया नहीं जा रहा है, वहां दादागिरी हो रही है। वो उसकी लड़कियां दोनों जो है ना वो काला कोट पहन के आती हैं, पता नहीं वो लोग कौन से टाइप के वकील हैं,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस टाइप के वकील है। मुझे कोर्ट से याद आया कि आजकल एक वीडियो ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो कह रही है कि भाई फूफा मेरा जो था वो चोरी करता था और बाद में ऐसे, ये वायरल जो ऑडियो हुआ उसका क्या माजरा है? वो फूफा को पहले फूफा से वो कुछ उम्मीद कर रही थी कि कुछ मिल जाए, अब फूफा से नहीं मिला तो अब दूसरे आदमी कमेटी को अगर लेने जा रहे हैं तो उनको वो भी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब वो ये चाह रहे हैं कि मतलब एक तीसरे के हाथ में नहीं चला जाए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से कनेक्शन करने देंगे नहीं। वो जैसे देखो बोला था ना मोटर निकालनी है, बंटी भाई बोला था ना मोटर निकालनी है, बोला था कि नहीं? अच्छा, तो वही चीज मैं बोल रही हूँ तुझे कि उसकी दोनों यहाँ जो रोड पे दोनों मोटर है ना, वो दोनों मोटर और बचा कुचा जो भी पाइप है वो बीएमसी निकालने बोल रही है राजा भूपा को। अच्छा। तो वो डर रहा है अम्मी से, तो अभी आज बीएमसी वाला हम लोग को बोला तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को बोले कोई ऐतराज नहीं, वो अपनी मोटर ले जाए, अपना पाइप ले जाए, कोई भी प्लम्बर आए खोल के राजा का पाइप और राजा की मोटर राजा को दे देवे, हमको ऐतराज नहीं है। ये मैसेज दे मेरा तू किसको, बंटी भाई को, बोला प्लम्बर लेकर आया तो तू आ सुफियान, तू यहाँ से निकाल और ले जाके चाचा के वहां पे रखवा दे, समझ गया? वो मोटर को लेने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं इल्लीगल, समझ गया? दो तो गायब हुई ना, दो तो गई जो हम लोग के अंडर थी वो बची हुई है, बाकी दो तो गायब हो गई, समझ गया ना? तो तू बंटी भाई के साथ तू आ, तुझे आती है ना मोटर निकालने? हाँ हाँ ठीक। उसकी चाबी जिस ऑफिसर के पास है ना, वो ऑफिसर से मैं लेके दूंगी वो चाबी कि सर हमको तत्काल में निकालना है वो, समझ गया? अच्छा हाँ, इसमें कैसा देख, वो बंटी भाई को बोल रोजी आपा, बोलिए आपस की अपनी दुश्मनी है, दूसरे को खाने नहीं देना है और मैं किसी और को चलाने नहीं दूंगी, वो हमारा फुप्पा था तो हमने चलाने दिए, समझ गया? बाकी कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है और उसने फुप्पा होने की मर्यादा तोड़ा इसलिए बंद करवाए, समझ गया ना? मेरा जाके तू बोल दे उसको, बंटी भाई को बोलना, बोलना रोजी आपा बोली है कि मैं तू सुफियान आएगा और बंटी भाई आएगा, मैं चाबी वो ऑफिसर को बोल के लेती हूँ और इलाही अंकल ने हम लोग को समझा है कि रोजी बोले बीएमसी निकालने बोल रही है उन लोग का, समझ गया? तो तू मेरा मैसेज दे, कल 3 बजे आ और यहाँ से पूरा निकाल के ले जा, बंटी भाई को बोलना वो इस्तेमाल होगी तुम लोग को वहाँ पर, या अभी आ जाता, अभी आता तो अभी आ बोलना बंटी भाई को, काम कर रहा हूँ मैं बोलता हूँ उनको, हाँ उनको मेरा मैसेज दे दे, बोलना रोजी आपा बोलिए मोटर तुम्हारी ले जाओ, पाइप भी ले जाओ, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, समझ गया? हाँ ये दे बोल के मेरे को फोन कर फट से, ठीक हाँ, और उनको उन लोग को बोल देना, बोलना वो इलाही अंकल ने बताए समझाए रोजी आपा को। अच्छा, तो रोजी आपा बोली ठीक है, वो उन लोग ने बीएमसी वाले लोग ने राजा को बोले थे तो उसने ना इलाही अंकल को बोला, तो इलाही अंकल मेरे को फोन किया, समझा ना बाबू तू मामला? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो अभी वो मोटर भी निकालने के चक्कर में लोग है, उसकी बजाय उसकी मोटर है वो ले जाए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन सुफियान आना चाहिए निकालने के लिए, बोलना रोजी आपा बोलिए, तो हम लोग को भरोसा रहेगा कि सुफियान निकलवा रहा है, समझ गया? बंटी भाई और तुम लोग दोनों आओ, मैं खड़े रहूंगी वहाँ पे, चाबी लेके मैं वो ऑफिसर से चाबी लेके दूंगी तुम लोग को, तू उसको खोल, उसमें राजा की जो मोटर है वो दोनों मोटर राजा को वापस दे और जो भी पाइप है उन लोग का वो वापस दे दे उन लोग को निकाल के, समझ गया ना? मुझे बोल, फोन कर फट से मुझे, हाँ, मैसेज दे करता हूं। हाँ चल ओके। बोलते 314 का नोटिस लगा हुआ है यहाँ पे बीएमसी का, तो 314 का नोटिस आपके स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है, 314 का नोटिस रास्ते पे नहीं लगता है, हमारे पानी के कमेटी का जो पंप है वो रास्ते में रखा हुआ है, वो बीएमसी के रास्ते में रखा हुआ है, उस रास्ते के अंदर छोटा सा 2.5x2 की जगह में हमारा पंप रखा हुआ है, वो बार बार बोलती है कि आप कोरट जाओ, आप कोरट जाओ, 314 का स्ट्रक्चर, 314 का नोटिस है, तो 314 का नोटिस आपके घर पे है, हमारे कमेटी पे नहीं है, हमारा कमेटी का पंप वहां पहले लगा हुआ है, बाद में आपका घर बना हुआ है, जब पहले हमारे पानी की कमेटी वहां बनी। प्रश्न ये है कि जनहित में पानी मांगने के लिए मुझे कोर्ट जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 1500 लोगों के जीवन का प्रश्न है, 1500 घर है वहां पर, आप कल्पना करिए कि कितने लोग वहां पर रहते होंगे कि जब इस स्लम इलाके में केवल मात्र 15 इतनी बड़ी बस्ती होने के बाद में पानी मांगने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़े, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा। मुझे ये बताइए कि आगे जो आपकी, जैसे कि मान ले आपने बताया कि विजय तांडेल जी यानी सानवी तांडेल जी के जो पति है उन्होंने आपको एक सेपरेट लाइन करके दिया है, अब ये जो दादागिरी हो रही है ये भी एक पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है कि मतलब कि आप लोगों को रोका जा रहा है, अब आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? साहब जी हमने काफी कोशिश कर रहे हैं हम लोग पानी लगाने के लिए कि किसी तरह पानी आ जाए, लोगों को पानी मिल जाए, और हमारी आगे की प्रक्रिया ये है कि हम लोगों ने मतलब जितना हो सकता है कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, हम लोगों ने बीएमसी के अंदर, अरे पुलिस के अंदर ये कंप्लेन किया है, उसके नाम के एनसी है, 3-3 4-4 एलिगेशन किया है हमने कि हमको मतलब
पानी लाके किसी तरह पानी आ जाए, हमारा मेन एम जो है वो पानी आ जाए। आप इतने देर से मैं भाई साहब से बात कर रहा था, आप लोगों को पता चला होगा जो इस न्यूज को देख रहे हैं कि ये केवल और केवल पानी को लेकर के जद्दोजहद की जा रही है और जिंदगी के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं, खासकर जो महिलाएं घर को संभालती हैं उनको मालूम पड़ता है कि पानी उनके लिए कितनी अहमियत रहती है। मुझे बताइए कि यहाँ पर जो पानी की लेकर के समस्या है, रोज किस तरह से आप लोग तकलीफ झेल रही है? पानी हम लोग को नीचे हंडो से लेके जाना पड़ता है घर पे। अभी 6 महीने से हम लोग को पानी की तकलीफ है, 6 महीने से हम लोग लेके जा रहे थे, लेकिन अभी रमजान आने की वजह से हम लोग में उतनी हिम्मत नहीं। जी सोचिए, एक रमजान का महीना, इतना कठिन महीना जिसके अंदर उपवास फास्ट रखती हैं महिलाएं, और उसमें उसके बावजूद भी इतनी पहाड़ पे यहाँ से नीचे से पानी लेकर के जाती है। ये साकर, ये जो बीएमसी है, क्या मतलब केवल भ्रष्टाचारियों की सुनती है, जो उनको मोटी रकम देते हैं उनकी सुनती है, और ये प्रशासन सोया हुआ है? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अब जी भांजी बताइए यहाँ पे क्या समस्या है? अब क्या बोलेंगे, ये लोग भी हमारे लिए लड़ रहे हैं पानी के लिए, मगर हमें बहुत तकलीफ है पानी के लिए। अब इतना मोटा बैठने के डेडी ने झगड़ा कर रही है, मारामारी कर रही है, हम लोग मिलके जा रहे, बोलते हमको मारने के लिए आ रहे, तो हम लोग हम पानी के लिए जा रहे हैं। हम साफ साफ गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, रमजान का महीना, पानी की दिक्कत, ऊपर से गर्मी का इतना माहौल, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और बहुत सी महिलाएं हैं। मैं पक्ष जानना चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे जो ये दिक्कत चल रही है, गुंडागर्दी, रमजान का महीना, गर्मी इतनी तप रही है, उसके बावजूद आप लोगों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? मेरी एक संस्था है, तो ये महिला हर रोज मेरे वहाँ आती है, उनकी परेशानी बोलती है कि हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, ऐसा हो रहे, रोती है बहुत, पानी के लिए इतना मजबूर हो गई लिए क्या, अभी उनको समझ नहीं आ रहा क्या करो। हसीना की जो दोनों बेटियां रूबीना और रोजी, वो मेरे को एक वीडियो वायरल करके बोलती है कि ये लेडीज धमकी देती है हमको मारने के लिए। तो ये धमकी, मैंने उनको धमकी नहीं दी, उनको सिर्फ एक कानून बताई हो, तुम राइट है, आज 60 साल से जो भी है पानी की लाइन चल रही है, तो तुमको जब क्यों नहीं तकलीफ हुई? तुम्हारा फूफा जब चला रहा था, जब तुमको चढ़ रहा था, आज उसने कुछ पैसा तुमको देने के लिए मना कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो तुम पब्लिक को परेशान करने का तुम्हारा हक नहीं है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे फूफा से या कुछ भी है, तुम उससे लड़ो। और इसमें बीएमसी में उनके इलाई करके नाम है, वो बंदा काम करता है, और उनको ये हसीना की दोनों बेटी को उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी भी इतनी इनलीगल लाइन है, फिर भी हम लोग खामोश बैठे। हमको कायदे से काम करना है, अगर मैं चाहती तो ऑप्शन उठाती थी। वो बंदा मैं पार्टी लेवल में भी, हम लोगों के पार्टी लेवल में ये सब ग्रुप में फैला रहा है अफवाह के ये लेडीज है के धमकी देती है उन लोगों को। खासकर बात देखिए, यहाँ पर चोरी ऊपर सीना जोरी वाली बात है। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को इसलिए बदनाम किया जाता है कि ये हमें मारने आती हैं, हमें धमकी दे रही हैं, और इनके वीडियो को बार बार सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि देखिए ये, आप बातचीत से देखिए जो संस्था चलाती है, इतनी महिलाएं इनके साथ में है, और ये किस तरह से असामाजिक तत्वों को साथ देंगी। तो मसला यही आता है, प्रमुख मुद्दा तो यही आता है उभर करके कि चूंकि बीएमसी के बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ में सम्मिलित, बिना भ्रष्ट अधिकारियों के ये जो इनकी हिम्मत बढ़ी है, इतनी हिम्मत बढ़ने की जरूरत नहीं थी। जब फिर मैं आऊंगा कि ये इसका आखिर निराकरण आंतरिक क्या होगा? सर जी, अभी ऐसा है कि हम लोग तो मतलब यही भरोसे पे बैठे हैं कि मतलब कहीं से हमारा कोई रास्ता निकल जाए, कोई लीडर आए, कोई भी आए, ताकि पानी हमारे को, लोगों को पानी पहुंच जाए जी। तो मगर हम लोग को चलाने के लिए वो हम लोग को भी वाटर माफिया बना रहे हैं, और हम लोग को भी बोल रहे हैं कि ये लोग भी मतलब अभी कमाने आए हैं, तो हमारा ऐसा कमाने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि पानी रेगुलराइज हो जाए डोंगर के ऊपर, और कोई अच्छी कमेटी आके खड़े रह के चलावे, यही हमारी इच्छा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी आवाम को पानी मिल जाए। जैसा कि जफर भाई का साफ साफ कहना है कि इनको पानी और पानी के कनेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको केवल ये इंटरेस्ट है कि यहाँ की जनता की जो रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, पानी न मिलना, उसको सॉल्व किया जाए, यहाँ की जो कमिटी है उसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जो पहले के लोग हैं उन्होंने कायदे से इसको नहीं चलाई, भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से आज ये रास्ते पर आ गया है, इनकी समस्या बढ़ती जा रही। और यहाँ पर हमारे साथ में एक समाज सेवक यहाँ पर उपलब्ध है, मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या समझते हैं, इस समस्या को किस ढंग से देखते हैं। जी ऐसे बताइए आप। देखो, ये जो कमेटी का पेपर है, इसमें हसमुद्दीन का, राजा का किसी का नाम नहीं है, हमारे बाप का। ये 1972 से, ये 1972 से हमारे बाप का था, 1988 जी, उसके अंदर सब हमारे जो ये मेंबर थे खत्म हो गए। उस टाइम पे एक इलेक्शन हुआ, तो उसमें हसमुद्दीन और अन्य 10 आदमी जीत के आए, उन लोगों को पब्लिक ने पसंद किए। अब हसमुद्दीन भाई चलाए, हसमुद्दीन भाई ने 2004 में नवाब मलिक साहब को भी मालूम है, हमारे टांडेल भाई को भी मालूम है, हमारे हर किसी को मालूम है उसमें करप्शन क्या हुआ था। उस टाइम पे 9 लाख रुपया
बाकी था हसमुद्दीन भाई चले गए और उसके बाद में जितने आदमी थे उस टाइम के उन लोगों ने हमारे जफर भाई ने भागदौड़ यहाँ तक हाइड्रोलिक इंजीनियर से सबसे बातचीत करके वो चला है पानी आनी चालू कर दिए। उसके बाद में हमारे जफर भाई पे और भाई लोग पे चोरी का इंजाम मारा भी गया ताकि साइड सब साइड हट गए। उस टाइम पे मैं राजीनामा दिया हुआ था ना तो यह कमेटी मैं खुद चलाता था लेकिन मैं राजीनामा दिया हुआ था कुछ लोग ने बोले राजीनामा दिया पैसे कमाने गुजरा इसके लिए मैं हट गया था। उस टाइम से उसके 2004 के बाद राजा मुबारक खान वो चलाए। मेरा इनसे यही कहना है चोरी किया तो राजा समझे तेरे तेरे पेट में दर्द है तू समझे। हमारी लाइन टैक्सी स्टैंड से बीएमसी के अंदर बाकायदा उधर पानी नहीं था 800 आदमी थे उस टाइम हमारा पानी वहां से पूरा नहीं होता था। उस टाइम पे वहां से हमने लाइन बीएमसी वाले ने काट के हसमुद्दीन शेख जो नाम बोल रही है जैसे हमने 800 आदमी ने चुन के 11 आदमी को दिया 11 आदमी ने जैसा चुन के एक आदमी पकड़ा कि भाई इनके नाम पे पानी का मीटर और वो आएगा जी। तो वही अभी जैसे अभी मेरे नाम पे मैंने पानी का मीटर और ये तो मेरी चीज नहीं पब्लिक की चीज है तो वो हिसाब से अब उन्होंने क्या किया उस टाइम पे वो नाम पे चढ़ गया और एक बिना करके थी एक वो खरीदा गया 1,20,000 रुपये में मुर्शद चाली के अंदर तो एक एक घर से 3,000 रुपया दिया गया था 1,20,000 रुपया हसमुद्दीन भाई को 60,000 रुपया दिया गया अब्दुल भाई को 40,000 रुपया दिया गया 20,000 रुपया नूरू शेख वो भी बेचारे गुजर गए तीनों गुजर गए इन सबको दिया गया था। अब आदमी कोई है नहीं और ऑफिस में हमारे पेपर पूरे थे पूरे पेपर हमारी ऑफिस थी उसमें पूरे पेपर थे पुराने पेपर पुराने से लेके अभी तक जी। उसके बाद में क्या हुआ वो पूरे पेपर वहां से गायब कर दिए गए उस ऑफिस में कोई आदमी बंदा जाते ही नहीं है। अब ये इधर से जो पानी की लाइन काटे गई तो राजा की वजह से तकलीफ से काटे गई इसने क्या कहा माँ बेटियों ने कि भाई हमको यहाँ से राजा से तकलीफ थी हमने काट दी ये अनलीगल लाइन थी हमने काट दी। अब हमने हमारे नेता को लेके मिल के इंजीनियरों को लेके मिल के पानी के बीएमसी के सब मिल के उसके बाद में हम चालू कराने की कोशिश की है सीधा दादागिरी करती है 324 बार बार बताती है 324 उसका घर भी अनलीगल है। हमको वहां पर टाकी की जगह अल्पना ताई ने शमशान भूमि वालों से बात करके दिलाई थी टाकी अंदर बना दी गई अभी भी टाकी होंगी आप देख सकते हो किसी भी आदमी को अंदर मसान के अंदर दलवा के देखो वहां पर टाकी निकलेंगी नहीं नहीं निकलेंगी तो हम जो हट जाएंगे वहां से उस जगह को अंदर कर दी गई टाकी की जगह पे घर बनाया गया और यहाँ पर 94 से लाइन डाली गई है 94 से दो लाइन यहाँ से चल रही है पहाड़ पे 94 से लाइन चलने के बाद में इनका घर बना 2007 में वो उसका था ना पेपर 2007 में उसमें बीएमसी के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड है डेमोलेशन का डेमोलेशन हमारे साधु भाई थे उन्होंने उनसे केस भी लड़ा है वो भी पे के उनका भी निधन हो गया तो उनके निधन होने के बाद में ये मामला दब गया नहीं तो वो अभी तक के लड़ी रहे थे उनसे। अब बताओ इनका घर 500 स्क्वायर फीट का था इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिया उधर कि मेरे आदमी को मालूम था मुझे नहीं मालूम है बीएमसी ने इनका साथ दी जो उस टाइम के जो वो थे अधिकारी थे उन लोगों ने साथ दिया और उसका घर बनाया जी। पैसा ऐसा खा के कहने का मतलब यही है हमारी 2004 की लैंड ये काट के फेंक सकती है समझ में आई और उनका शमशान भूमि के अंदर घर अनलीगल वो कोई नहीं तोड़ सकता है। सोचिए कितनी भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर ये बता रहे हैं भाई साहब कि उनका जो घर है वो खुद अनलीगल है जो भ्रष्टाचार उनका पूरा खानदान भ्रष्टाचार इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ की जनता जो महिला है यहाँ पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि शुरुआत से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है उनकी वजह से ही जो आज ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है उनकी ही कार्य जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से इकट्ठा हुई है। तो आखिर प्रशासन इतना सोया क्यों है आखिर प्रशासन ने अपने अपने आप को और अपने कान को बंद क्यों कर रखा है ये बहुत अहम प्रश्न है। हम देखेंगे यहां पर कि आप बताइए मुझे कि मतलब कि ये समस्या आखिर ये समस्या आप कोर्ट में लेकर के आपने बताया मुझे कि मतलब ये मसला कोर्ट में भी गया था तो वो क्या मसला था कि जो कोर्ट में चल रहा था उनका एक ही स्पष्ट सवाल था कि ये पानी पिलाने की जिम्मेदारी तो बीएमसी की होती है किसी कमेटी को अपन प्रोड्यूस करोगे भाई वो कमेटी चला रही थी ना तो ये बात को वो मानते नहीं है उनका कहना है कि आप जाके बीएमसी से बात करो बीएमसी जिम्मेदार होती है पानी की बीएमसी आपको पानी पिलाएगी
ये कोर्ट का जवाब था हमारा। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि लोगों को केवल पानी से मतलब है, उनका जो घर है वो बिना पानी के चलने वाला नहीं है, और सब जानते हैं कि बिना पानी के जीवन ही संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हिल लॉक की जो जनता है, जो इतनी बड़ी बड़े पैमाने पर रहते, 1500 मकान है वहां पर, उन सब लोगों की एक ही समस्या है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर उस भ्रष्टाचारी परिवार से छुटकारा दिलाया जाए। पब्लिक की जो चीज है, इनका साफ साफ मानना है कि पब्लिक की जो चीज है, ये पब्लिक जल जो होता है वो जीवन है, इसलिए मतलब कि जनता के हवाले कर देना चाहिए। जनता अपने प्रशासन को देखेगी, वहां संभालेगी, कमिटी देखेगी, ऐसा करके प्रशासन को देखना चाहिए। जी सर, मैं ना हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे घर में 22 से 23 परिवार है और मुझे इतनी दिक्कत है पानी की कि हमारे बच्चे छोटे छोटे है, वो नीचे से पानी लेके ऊपर चढ़ते हैं और मुझे भी ऐसा करता है, मुझे भी तबीयत खराब हो गई और मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, बीमार हूँ, फिर भी हमको पानी की इतनी है ना तकलीफ है कि हम लोग रोजा रख के है ना पानी ढूंढने निकलना पड़ रहा है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, बहुत ही मार्मिक चीज जो बता रही हैं, वो हार्ट की पेशेंट है, और मैं कहता हूँ कि 1500 मकानों में पता नहीं कितने लोग बीमार होंगे, दिक होंगे, उनको कई कई समस्याएं होंगी, कितने तो बेचारे दिव्यांग होंगे, कई लोग जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो प्रशासन को आगे बढ़ करके इसके अंदर मदद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज फर्स्ट, मुंबई।